जेटीसी 2019 का एक और क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एक मार्क का क्वेश्चन है, इजी है, इसलिए एक मार्क का क्वेश्चन है। आप मेरा वो रिवीजन वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने बेंडिंग ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में आपको बताया है, अगर उस वीडियो को देखेंगे और साइमल्टेनियसली आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इस बात का जिक्र अपने रिवीजन वीडियो में किया हुआ था। फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स करेक्टली द इक्विलिब्रियम बैंड डायग्राम एट 300 केल्विन ऑफ ए सिलिकॉन PN(n+), P डबल प्लस को आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को मैंने इस बोर्ड पे बना के रखा हुआ है। काफ़ी बार ये जो चार ऑप्शन है ये आपको आपके स्क्रीन पे उलट पलट के देखना पड़ा होगा, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि अगर आपके एक स्क्रीन में दो ही ऑप्शन आ रहे हैं तो दो ऑप्शन में ही आपका एक करेक्ट ऑप्शन था। फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस क्रिएट किए गया है बहुत ही खूबसूरती से, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे यहाँ पे हमको ध्यान देना है। एक्चुअली हम लोग को ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है तो टेंशन ही नहीं है। और दूसरा ये कि मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे एनसर्कल करना चाहता हूँ, और वो है इक्विलिब्रियम। मतलब मेरा डायग्राम, बैंड डायग्राम जो यहाँ पे बना हुआ है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। 300 केल्विन मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना ये वर्ड इक्विलिब्रियम लगता है, क्योंकि 300 केल्विन एक रूम टेम्परेचर है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देंगे, ये पी प्लस डबल प्लस और ये एन प्लस और ये नॉर्मल डोपिंग पी एन, तो ये हमारे पास नॉर्मल डोपिंग है पी एन का। उसके बाद थोड़ा हैवी डोपिंग किया है हम लोगों ने एन रीजन में, और यहाँ पे पी डबल प्लस मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा डोपिंग, मैनी 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 टाइम्स ग्रेटर देन दिस रीजन और दिस रीजन, मैंने दिस रीजन को डोपिंग किया है। तो बस ये हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये हमारे पास पहला बैंड डायग्राम है जिसको हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे ईवी जो है वो हमारे पास अपर मोस्ट एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ वैलेंस बैंड का है। ये वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर का एनर्जी लेवल है, और ये हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल है, और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड का सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है, जो आप लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे हमारे पास ई सी है और नीचे में हमारे पास ई वी है, और इन दोनों के बीच में कहीं हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल लाई करता है। आपको यहाँ पे ये याद होना चाहिए सबसे पहली बात कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। एक ट्रांजिस्टर या फिर एक कोई भी सिलिकॉन से बना हुआ इस तरीके का अलग अलग रीजन, अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है इसका मतलब है कि उसमें कोई भी बायसिंग नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स उसमें नहीं लगा हुआ है। मतलब बस आपने इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर लिया फैब्रिकेशन में, उस इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को आपने अलग अलग रीजन पे कंट्रोल्ड डोपिंग किया जिसकी वजह से इस तरीके का रीजन क्रिएट हुआ। तो अब हम लोग इस रीजन को ध्यान में रख के हमारे फर्मी एनर्जी लेवल को डायग्राम को ड्रॉ करें तो दो बातें ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, फर्स्ट वन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा फर्मी एनर्जी लेवल थ्रू आउट द रीजन सेम होता है। मतलब फर्मी एनर्जी लेवल में कोई भी बेंडिंग नहीं होती इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो अगर हम लोग पहले इस चीज को देखें तो हमारे पास यहां से देखिए, पहले में फर्मी एनर्जी लेवल थ्रू आउट द रीजन्स ऑफ द सेमीकंडक्टर इक्वल है। यहां पे भी देखिए, फर्मी एनर्जी लेवल थ्रू आउट द रीजन ऑफ द सेमीकंडक्टर इक्वल है, ये मैं टिक कर रहा हूं। यहां पे भी देखिए, ये ब्लैक लाइन जो खींचा हुआ है उसको मैं फर्मी एनर्जी लेवल EF लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में। उसके बाद अगर आप सी और डी ऑप्शन को देखेंगे तो सी और डी ऑप्शन में फर्मी एनर्जी लेवल का बेंडिंग है। फर्मी एनर्जी लेवल अगर बेंडिंग है इसका मतलब है यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, इट इज नॉट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। और यहाँ पे भी देखिए, फर्मी एनर्जी लेवल बेंडिंग है तो यहाँ पे भी हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे पास दो ऑप्शन तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम वर्ड से ही कट गए। अब हमारे पास चॉइस बचा कि पहले ए और बी ऑप्शन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो हमको दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास डोपिंग के अनुसार एनर्जी बैंड का डायग्राम कैसे चेंज होता है, डोपिंग के चेंज होने से एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे चेंज होता है। तो अगर हम लोग उस चीज को फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूले में मैंने बहुत ही रिविजन कोर्स में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास एक फर्मी एनर्जी लेवल जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल के लोकेशन के बारे में मैंने आपको एक कहानी बताई थी जिसमें हम लोगों ने फर्मी एनर्जी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू ई सी माइनस के टी एल एन एन
सी डिवाइडेड बाय एन डी, ये मैंने फॉर्मूला लिखा था, याद आया होगा आपको, या तो आप हमारे रिवीजन वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये फॉर्मूला मैंने लिखा था। और इसके बाद मैंने तीन कंडीशन यहाँ पे प्रिपेयर किया था कि अगर एन डी की वैल्यू, यहाँ पे पहला कंडीशन कि एन डी की वैल्यू मतलब आपने जो डोपिंग किया है डोनर एटम्स का, अगर वो डोनर एटम्स की मैग्नीट्यूड जो कि वैल्यू है वो अगर एन सी से लेस है तो आपका फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो ई सी से नीचे ही आएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारे पास ये है, इस पहले कंडीशन को हम लोग लिखते हैं कि पहला कंडीशन अगर आपके पास एनडी की वैल्यू, एनडी की वैल्यू लेस है एनसी से तो आपके पास ई एफ एन जो है वो ईसी से नीचे आएगा। इस प्रकार से अगर आप सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, सेकंड कंडीशन में अगर आप एनडी की वैल्यू को इक्वल टू एनसी कर दें तो इसमें मैंने बताया था आपको कि फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो ईसी से कोइंसाइड करेगा इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आप डोनर एटम का कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा कर देते हैं एनसी की वैल्यू से, मतलब एक हेविली डुब्ड सेमीकंडक्टर में आपके पास ई एफ एन की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी किससे, वो ईसी से, बहुत बहुत ज्यादा करते हैं तो ई एफ एन की वैल्यू आपके पास ईसी मतलब लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड से ज्यादा होगी। तो ये तीनों कंडीशन को पकड़ते हैं। नॉर्मली हमारे पास फर्मी, नॉर्मल डोपिंग में हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल हमेशा ईसी से नीचे होता है और वो ईवी से दूर होता है एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ये डिस्कशन आपने देखा होगा कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल ईसी के पास होता है और ईवी से दूर होता है। सिमिलरली अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्मी एनर्जी लेवल ईवी से पास होता है और ईसी से दूर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पी टाइप का है हमारे पास सेमीकंडक्टर, ये हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल बना हुआ है, फर्मी एनर्जी लेवल पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये देखिए ये हमारे पास ईवी है, बिल्कुल सही, ये ईवी से पास है और ईसी से दूर है, लोकेशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल। सिमिलरली अगर हम लोग एन टाइप पे कंसिडर करें तो एन टाइप में हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल कैसा है, देखिए ये हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल ईसी के पास है और ईवी से दूर है, मतलब ये भी करेक्ट है, ये रीजन हमारे पास करेक्ट आ गया, ये रीजन करेक्ट आ गया। थर्ड में जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एन प्लस रीजन है, एन प्लस मतलब हैवी डोपिंग किया गया है, हैवी डोपिंग किया गया है तो जैसे जैसे डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे फर्मी एनर्जी लेवल ईसी के पास जाएगा, मूव टूवर्ड्स द ईसी वैल्यू। तो वैसे वैसे मतलब इसका मतलब है मेरा अगर डोपिंग कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा है तो ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है ये टूवर्ड्स ईसी होना चाहिए था, टूवर्ड्स ईसी होना चाहिए था, लेकिन ये अभी ईसी से दूर है। अगर इसके बाजू वाले इस एन प्लस रीजन के अलावा हम लोग इस एन रीजन से कंपेयर करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये पास है, दिस इज नियर एंड दिस इज फार अवे। अगर ये फार अवे है तो डेफिनेटली ये एन प्लस रीजन है, ये फार अवे पॉसिबल नहीं है, मतलब ये कंडीशन है हमारे पास गलत है। चौथा कंडीशन में हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत हैवी डोपिंग है, बहुत हैवी डोपिंग है, इसका मतलब है कि बहुत हैवी डोपिंग में अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, वहां पे मैंने एन टाइप की बात की थी, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल का लोकेशन ईवी प्लस के टी एल एन एन वी डिवाइडेड बाय एन ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है ईवी से इतना दूर होता है, मतलब इट इज नियर अबाउट ईवी। तो यहाँ पे हमको दिख तो रहा है ये ईवी के पास है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कम है और यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर ये हैवी डोपिंग है तो हैवी डोपिंग है, इसका मतलब है कि इस एन की वैल्यू हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी तो इस एल एन में डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे हमको क्या साइन मिल जाएगा, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन अगर मिलता है तो ये ईवी के नीचे चला जाएगा, सो ईवी माइनस के टी एल एन एन वी डिवाइडेड बाई एन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप तीन कंडीशन प्रिपेयर कर सकते हैं जो मैंने अपने रिविजन कोर्स में किया था, कि आप यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन प्रिपेयर कर सकते हो कि अगर एन वी की वैल्यू जो है वो एन ए से ज्यादा है तो यहाँ पे हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऊपर होगा ईवी से, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन आप यहाँ पे प्रिपेयर कीजिए कि सेकंड कंडीशन में अगर हमारे पास एन वी की वैल्यू इक्वल टू एन ए की वैल्यू के बराबर होगा तो यहाँ पे हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल का लोकेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ईवी के बराबर,
और थर्ड कंडीशन हम लोग यहां पे प्रिपेयर करें कि अगर आप Na एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं Nb के कंपैरिजन में, तो यहां पे फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर ये लेस हो जाएगा बहुत ज्यादा, किससे, ईवी से। तो ये हमारे पास मतलब ये नीचे चला जाएगा, ईवी से नीचे चला जाएगा। तो आप देखिए कि हमारे पास ये जो कंडीशन है, जो पी प्लस प्लस रीजन है, ये यही कंडीशन है कि आपने एक्सेप्टर एटम का बहुत ज्यादा डोपिंग किया है। अगर एक्सेप्टर एटम की बहुत ज्यादा डोपिंग की है तो फर्मी एनर्जी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर में ईवी से नीचे आना चाहिए, ईवी से नीचे। तो ईवी से नीचे मतलब यहां तो हमको दिख रहा है कि फर्मी एनर्जी लेवल ईवी से ऊपर है, मतलब यहां पे ये वाला रीजन पे जो आपके पास बना हुआ बैंड डायग्राम है ये गलत है। दूसरे वाले में आते हैं, दूसरे वाले में देखिए आप इस रीजन को याद रखिए, सबसे पहले हमारे पास पी है, फिर हमारे पास एन है, फिर हमारे पास एन प्लस रीजन है, फिर हमारे पास पी डबल प्लस रीजन है। तो आप देखिए जब हमारे पास पी प्लस पी रीजन है नॉर्मली पी, तो हमारे पास ये ई एफ पी हो गया और ये हमारे पास हो गया ई वी और ये हमारे पास हो गया ई सी। पी टाइप का सेमीकंडक्टर है मतलब फर्मी एनर्जी लेवल का लोकेशन ई सी से दूर और ई वी से पास, करेक्ट है। और उसके बाद हमारे पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर है मतलब फर्मी एनर्जी लेवल हमारे पास ई सी के पास और ई वी से दूर, करेक्ट है। तीसरे रीजन में आते हैं कि हम लोगों ने डोपिंग को बढ़ाई, तो डोपिंग को बढ़ाई तो डेफिनेटली हमारा फर्मी एनर्जी लेवल मूव टूवर्ड्स द कंडक्शन बैंड लोवेस्ट एनर्जी। तो देखिए ये कंडक्शन बैंड है और ये फर्मी एनर्जी लेवल उसके पास है, ये डिस्टेंस को आप देखेंगे तो डिस्टेंस रिड्यूस हुआ, मतलब ये एन प्लस रीजन सही है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं पी प्लस रीजन में ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हम लोगों ने डोपिंग किया है इतना कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया, लेकिन आप बहुत ज्यादा हैवी डोपिंग कर देंगे तो आपका फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो ईवी को पेनिट्रेट कर दिया। ये देखिए ई एफ नीचे आ गया ईवी के, मतलब थर्ड वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गया, मतलब यहाँ पे ये सारे रीजन जो है, इस रीजन का डायग्राम, इस रीजन, ये सारे रीजन सही है, मतलब बी जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो हमको यहाँ पे दो चीज चेक करना था कि क्या हमारे पास ये जो सेमीकंडक्टर दिया हुआ ये बायस्ड है। अगर बायस्ड नहीं है तो हमारे पास बहुत इजी बनता है क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम में है, फर्मी एनर्जी लेवल थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर कांस्टेंट है, और ये क्यों है इसके पीछे भी रीजन है, जिसके पीछे एक डेरिवेशन है जो हम लोग बाद में अपने फुल कोर्स में देखेंगे जो जी डी पी डी में आने वाला है, लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये डायग्राम है। दूसरा, अब हमने इसको चेक किया ये गलत है, इसमें चेक किया ये तीनों कंडीशन जो कि रिवीजन में मैंने दिया था, ये तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है, ये सही है, और वो दोनों तो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में कुछ डायग्राम दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है और बी ऑप्शन करेक्ट है, और मैथमेटिकली भी मैंने इसको दिखाया आपको, और आप इस तरीके से भी समझेंगे थ्योरेटिकली तो भी आपके पास बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।